इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ए का ये मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है. तो जब भी मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर 3A है तो 3A इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 कितना हो गया ये भी हो गया 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 एंड 3 इंटू ए 0 कितना हो गया 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 12, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया. तो यहाँ पर अब हम LHS से चलते हैं. इसमें LHS इक्वल टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू क्या हो गया, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो गया 3 0 3 0 3 6 0 0 12. इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. इक्वल टू क्या हो गया, अब हम इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं ये. तो मान लेते हैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो गया माइनस वन टू दी पावर, कौन सा ये रो है, फर्स्ट रो है, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है. तो फर्स्ट रो प्लस क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, रो प्लस कॉलम ये हो गया. तो माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन हो गया इंटू थ्री और फिर मॉड क्या हो जाएगा, ये रो को छोड़ देंगे, ये वाली रो और ये कॉलम जिस एलिमेंट में, एलिमेंट फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, एलिमेंट फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे. तो बच क्या जाएगा 3 6 0 12, ये हो गया. फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस वन टू दी पावर, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0 और ये कौन सा है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इंटू क्या हो गया 0 और क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ये 0 हटेगा, 0 का कॉलम हटेगा, 0 का रो भी हटेगा. तो क्या बच जाएगा 0 6 0 12, ये हो गया. प्लस फिर माइनस वन के पावर कितना हो जाएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 इंटू कितना हो गया 3 और कितना हो गया ये 0 3 0 0 डिटर्मिनेंट. इसको अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू हो गया माइनस वन टू द पावर टू, कितना हो गया ये वन हो जाएगा, वन इंटू थ्री इंटू इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये सामने से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री इंटू ट्वेल्व कितना हो गया 36 माइनस जीरो इंटू सिक्स कितना हो गया 0 प्लस ये माइनस वन टू द पावर थ्री है तो माइनस वन हो गया, माइनस वन इंटू जीरो इंटू ये है तो जीरो से कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा जीरो ही आएगा. प्लस माइनस वन टू द पावर कितना है फोर हो गया, वन प्लस थ्री फोर हो गया तो माइनस वन टू द पावर फोर कितना हो गया वन इंटू थ्री इंटू ये कितना हो गया जीरो से जीरो मल्टीप्लाई होते हो गया जीरो माइनस जीरो से थ्री मल्टीप्लाई होते कितना हो गया जीरो इक्वल टू वन इंटू थ्री इंटू कितना हो गया 36. और जो ऐसे फिर हम ये क्या हो गया प्लस जीरो प्लस ये कितना हो गया जीरो, वन इंटू थ्री इंटू जीरो तो जीरो हो गया है. तो 36 इंटू थ्री यही हो जाएगा आपका 108. तो ये आ गया वैल्यू 108. अब हम इसमें RHS से चलेंगे तो RHS कितना था 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो RHS इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया है, ये है आपका ये मैट्रिक्स है तो 101 और कितना हो गया 012 012 004 ठीक है इक्वल टू 27 इंटू. अब इसको हम जैसे ऊपर में एक्सपेंड किए थे रो के अलोंग तो उसी तरह हम इसको रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं. तो माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू वन इंटू वन टू जीरो फोर ये हो गया प्लस माइनस वन टू द पावर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इंटू जीरो इंटू ये क्या हो गया अब जीरो टू जीरो फोर ये हो गया प्लस माइनस वन टू द पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इंटू
वन इंटू इंटू वन हो गया और क्या बचेगा, जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है ये हो गया। तो इक्वल टू क्या हो गया, 27 इंटू माइनस वन के पावर कितना हो गया, टू, तो ये हो जाएगा वन इंटू वन इंटू, ये कितना हो गया वन इंटू फोर कितना हो गया, फोर माइनस जीरो इंटू टू, ये मल्टीप्लाई हुआ डायगनल से, जीरो इंटू टू कितना हो गया जीरो, प्लस इसका कितना वैल्यू होगा जीरो, प्लस क्योंकि जीरो से कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, इसका कितना वैल्यू होगा, ये इसका तो वैल्यू जीरो हो गया क्योंकि जीरो इंटू जीरो जीरो एंड जीरो इंटू वन जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, तो भी जीरो हो गया। इक्वल टू क्या आ गया, 27 इंटू फोर इक्वल टू 108, तो आर एच एस का वैल्यू कितना गया 108 एंड एल एच एस का वैल्यू कितना था 108। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 8।